हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से यू विजडम रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे ऊपर मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस आते हैं। आपके ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और मेरे हैवन्स ड्रीम टैरो चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। ओके, अंडरनीथ आपके पास है आफ्टर अ ब्रेकअप, आप जो है अपनी डिज़ायर पूरी करेंगे और हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। अब इस एक बैड सिचुएशन के बाद, आफ्टर अ बैड एंडिंग, यहाँ पे एक न्यू मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ सकता है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकती है। यस, यहाँ पे डेविल एनर्जी है आपके साथ, या तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे ये बात नहीं है कि टॉक्सिसिटी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ हार्श या टॉक्सिक हो रहे हैं। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है। मीन्स आप जिस सिचुएशन में, वह अनहेल्दी है। लाइक अगर आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो वो एक टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। रिस्ट्रिक्शंस, टॉक्सिसिटी, नॉट हैप्पी सिचुएशन, नॉट हैप्पी इन्वायरमेंट। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है, आपके पार्टनर के साथ आपको लगता है कि सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। आपके पार्टनर जो है वो डिसाइड कर नहीं कर पा रहे हैं, या तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया है और या उन्हें कोई डिसीजन लेना है। यस, लेट्स सी कि उनको क्या, लेट्स सी कि भाई यहाँ पे डेविल एनर्जी क्यों है। आपके पार्टनर के माइंड में यही है कि आपको ही चूज़ किया उन्होंने, ठीक है, वो आपके लिए डिसाइडेड है कि उन्होंने आपको चूज़ किया। लेकिन आप, हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं जो के जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। Let's see why this devil is here. I feel कि यहाँ पे आपकी communication जो है वो toxic है, या तो कोई harsh word या कोई bad words आपके लिए किसी ने कहे हैं या किसी ने आपके लिए कहे हैं। So this is यही है कि आप उस communication से बहुत ज़्यादा hurt हैं। Why this devil is here? Yes. आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो आपका पार्टनर के साथ, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही है। आप खुद आप चाहते हैं कि रिकन्साइल करें, सेकंड चांस लें, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की कोशिश करें। आप स्टिल इस रिलेशनशिप में स्टक हैं और इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये टॉक्सिक आपके लिए बनता जा रहा है। तो यस, आप हो सकता है पास में आपने सेकेंड चांस लेने की या रिकन्साइल करने की कोशिश की हो, बट उसमें भी आपको आपको जो है वो किसी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा हो, किसी टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा हो। लेट्स सी यहाँ पे टू ऑफ वॉन्स क्यों है। व्हाई दिस टू ऑफ वॉन्स इज हियर फॉर सैजिटेरियस पर्सन, सैजिटेरियस के पर्सन के लिए यहाँ पे टू ऑफ वॉन्स क्यों है। आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट कर आपके लिए चाहते हैं, वो आपको आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, क्योंकि आपके बगैर उनकी लाइफ अनस्टेबल है या उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि आप उनके टू ऑफ वॉन्ट्स, सो यस वो आपके आपके साथ जो है ना कमिटमेंट तो चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं, लेकिन वो अपना माइंड बना चुके हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। यस, वो आपके साथ एक
ऑफ़र रखना चाहते हैं आपके सामने, रिकनसाइल करना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, वो हील करना चाहते हैं उस सिचुएशन को जो पास्ट में हुई, जो उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, वो उसको हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर, और इसलिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं। बट आप उनको आप अपने काम पे बिज़ी हैं, सेकंड चांस जो है वो आप अभी देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलिक एनर्जी, आपको फील होता है कि वो आपके लिए डेवलिक है, या आपको ख़ुद लगता है कि आप किसी क्या कहते हैं उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप में या कार्मिक रिलेशनशिप में है, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप को ही चलाना चाहते हैं और आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, या आपने अपने पार्टनर को कटआउट किया हुआ है स्टिल अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप अपने काम में फोकस हैं, या उन्होंने आपका कोई हार्ट ब्रेक किया था। सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो अगर आपके पार्टनर आपको लव नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए आपने जो है अपने आप को बिज़ी किया हुआ है काम में, हीलिंग फैमिली इशूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हो सकता है फैमिली इशूज़ हों, तो यहाँ पर फैमिली इशूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है पहले। Forgive and learn. As you release and heal the past, you experience small love in your present moment. Okay, so यहाँ पर आपको forgive and learn करने की ज़रूरत है कि जो भी past में आप दोनों के साथ हुआ है उसको छोड़ के, मुझे लगता है past की toxicity आप still लेके यहाँ पर हैं, आप भी चाहते हैं reconcile करना, लेकिन पास की जो टॉक्सिसिटी है वो, और ये फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, तो उनको रिजॉल्व करना पहले ज़रूरी है, और फॉरगिव एंड लर्न करें और आगे बढ़ें। सो लेट्स सी कि यहाँ पर नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आफ्टर हार्ट ब्रेक सिचुएशन, आपके पार्टनर आपके पास एक ऑफ़र लेके आ सकते हैं, लेकिन ये कोई स्टेबल कमिटमेंट की तरह नहीं है, बट ये एक इनिशियल स्टेप है उनका आपकी तरफ। नेक्स्ट क्या हो सकता है सजिटेरियस के रिलेशनशिप में? यस, यहाँ पे वो वर्कआउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट क्या हो सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, अगर यहाँ पर आपके पार्टनर कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आपके साथ बेटर कर सकें, जो भी उन्होंने किया था उसको फिक्स कर सकें, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के चांसेस हैं। आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आपको मिल सकती है, या तो फाइनेंशियल हेल्प या फिर कोई ऑफर। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स एज यू नीड टू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।